यहां पर जनधन योजना को लेकर के कहा गया कि ये तो हमारे यहां समय थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद 40 साल हो गए और गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन आज भी इस देश का गरीब बैंक के दरवाजे से दूर था और बैंकिंग सिस्टम आज फाइनेंशियल व्यवस्था की इंक्लूजन की मेन धारा बन गई है। अगर हम आगे चल करके कोई योजनाएं बनाना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है। और हमने 15 अगस्त को ऐलान किया था और यह कहा था कि 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, उसके पहले हम काम पूरा करेंगे। समय के रहते हुए काम पूरा किया कि नहीं किया? जिस बैंक के अंदर गरीब को जाने का अवसर नहीं मिलता था, उस बैंक के मुलाजिम जो कोट पैंट टाई पहनते हैं, एयर कंडीशन कमरे के बाहर नहीं निकलते हैं, वो मेरा बैंक का मुलाजिम, मेरा साथी गरीब की झोपड़ी तक गया, गरीब के घर तक गया। क्या ये सरकार प्रेरणा नहीं दे सकती? ये परिवर्तन नहीं ला सकते? लाए हैं। और मैं आज विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से नीचे तक के सब महानुभावों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा लिया, उस बात को उठा लिया, पूरा किया। और जब ये व्यवस्था हो गई है तो अभी हमें मनरेगा में आता था कि लीकेजेज बहुत है, अब हम मनरेगा का पैसा भी, जनधन अकाउंट खुल गया, आधार कार्ड है, जनधन अकाउंट है, लीकेज कम से कम हो जाएगा और पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। ये जनधन का हमारे दिमाग में गरीब है, लेकिन गरीबों के नाम पर हमारे दिमाग में राजनीति नहीं है। गरीबों के नाम पे हमारे दिलों दिमाग के अंदर एक ईश्वर की सेवा करने का अवसर है। और इसलिए हम हर काम के दूर जब करते हैं तो उस बात को लेकर के करते हैं कि हम गरीब के कल्याण के लिए क्या काम कर सके, और उस दिशा में हमारा प्रयास है। लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर के बढ़िया 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 बातें मैं सुन रहा हूं। हमें इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने जो किया उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। और जब लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था तब हम भी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे थे। उसको पारित करने के लिए हमने कोई इफ बर्ड्स का काम नहीं किया था। हमें लगा कि भाई चलिए, हम जानते थे इसका आप राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही जल्दबाजी कर रहे, सब जानते थे, उसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े रहे थे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, 1894 में जो कानून बना उसकी कमियां देखते देखते आपको 2013 आ गया क्या? 120 साल बीत गया, 60 साल तक ये देश के किसान उसी कानून के भरोसे जीते थे जो 1894 में बना था। अगर किसानों का बुरा हुआ तो किसके कारण हुआ? और आज जब ये कानून बना हम आपके साथ थे, कानून बनने के बाद कानून बनने के बाद जब हमारी सरकार बनी, सभी राज्यों के सभी दलों के मुख्यमंत्री, किसी एक दल के मुख्यमंत्री नहीं, सभी दलों के मुख्यमंत्री एक आवाज से कह रहे हैं, साहब आप किसानों के लिए कुछ सोचिए, किसान बिना पानी मर जाएगा, उसको सिंचाई चाहिए, उसको इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको गांव में सड़क चाहिए, गांव के गरीब को रहने के लिए घर चाहिए। और आप ऐसा कानून बनाए हो, आप भाजपा वाले भी साथ में थे, कि जिसके कारण हमारा भला नहीं हो रहा है। ये हिंदुस्तान की सभी सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों ने कही हुई बात मैं बता रहा हूं। क्या यह देश जो फेडरल कॉपरेशन की बात करता है, फेडरलिज्म की बात करता है, क्या हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हमारे राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बात को सुने नहीं? हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री परेशान है, राज्य परेशान है, उनको हम नकार दें? क्या उनकी बात हमको सुननी नहीं चाहिए?
और उनकी जो भावना है उस भावना को हमने सकारात्मक रूप से आदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और उनकी मांग क्या है किसानों के लिए, मुझे सेना के अधिकारी मिले, बोले साहब हम क्या करें, ये जो आपने कानून बनाया है और वो तो हमको ही कहते हैं क्योंकि हमने साथ दिया था, वो तो हमें ही कहते क्योंकि हमने साथ दिया था, हम कहते हैं कि साहब हमें बताइए हमें डिफेंस इंस्टॉलमेंट जो करने होते हैं, अब जो आपका कानून बनाए हो ही नहीं पाएगा, हमें हमारी न्यूक्लियर व्यवस्थाओं को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है हम पूछने जाएंगे क्या, हम लिखेंगे क्या कि इस काम के लिए चाहिए, तो अच्छा है हम पाकिस्तान को ही लिख दें कि इस पते पर हम ये काम कर रहे हैं। डिफेंस के हमारे अधिकारी इतने परेशान है, सेना के जवान परेशान है कि साहब क्या होगा, क्या हमारे डिफेंस के लिए भी, और अगर ये हमारी, ये जरूरी नहीं है कि किसी ने का गुनाह किया है कोई पाप किया है, लेकिन कमी रह गई गलती रह गई है, क्या गलती करेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या, ये एक छोटा सा उपाय है कि भाई इस गलती को करेक्ट करना है, आपने किया हुआ हम उसको नकारते नहीं है, आपने जो कोशिश किए हैं उसको हम कुछ रह गया तो जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपका साथ सहकार चाहते हैं, कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इसमें अभी भी आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, मैं अभी भी मानता हूं, मैं जीवन में एक परिव्राजक रहा हूं, मेरा सौभाग्य रहा है करीब करीब हिंदुस्तान के सभी जिलों में रात गुजारने का मुझे अवसर मिला है, मैंने जिंदगी के 40 साल परिव्राजक के रूप में घुमा, उसे मैं जानता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत रहा हूं, इतने विकास की संभावना है, वो ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है देश का, इतनी ताकत है, मैं अभी बार बार नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं, अगर मेरा राजनीतिक उद्देश्य होता तो जहां 60-80 सीटों का बल्क होता है ना वहीं चला जाता, लेकिन जहां एक एक सीट है वहां जाकर के दो दो दिन बिताता हूं, इसलिए राजनीतिक मकसद से नहीं करता हूं, ये मेरे देश की अमानत है, उनकी चिंता करनी पड़ेगी, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, और इसलिए मेरा ये मकसद है पश्चिमी छोर हिंदुस्तान का जिस तेजी से बढ़ा है हमें बहुत जल्दी से हिंदुस्तान के उस पूर्वी छोर को कम से कम उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा, चाहे मेरा बिहार हो, चाहे मेरा बंगाल हो, चाहे मेरा आसाम हो, चाहे मेरा नॉर्थ हो, चाहे मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा, हम इस देश को एक तरफ अपंग रख करके एक तरफ समृद्ध बना करके देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकते, और इसलिए मैं विकास में उसकी ओर बल देना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसको मदद करेंगे। हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घोलता चला जा रहा है, और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है, लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं हमारी भूमिका क्या है। मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था, बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं, उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है, बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय मेरा जो भाषण है और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है, क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है। मैं मुसलमानों को पूछता था क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है, और मैंने कहा था आइए बहुत लड़ लिया,
हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है, और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है, और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है, किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है, हरेक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज, मैं आपका मुंह बंद करने के लिए मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है इंडिया फर्स्ट, मेरी सरकार का एक ही धर्म है भारत का संविधान, मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान, मेरी सरकार की एक ही भक्ति है भारत भक्ति, मेरी सरकार की एक ही पूजा है 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण, मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति हमारा तत्व ज्ञान रहा, ट्रूथ इज वन सेज इज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे, सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है, गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रहिया प्रभु एकाई, सब में ही रब रहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिकसाई, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए।